आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं व्यू के वाई 20 डिवाइस के अंदर आप व्हाट्सएप पर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं। जी हां गाइस, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि व्हाट्सएप पे हमें अपने फिंगर लॉक लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे। देखो, मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग व्हाट्सएप पे फिंगर लॉक लगाते हैं और वो अपने ऐप को लॉक भी करना जानते हैं। बिकॉज ऐप लॉक के अंदर आपको फिंगर लॉक का भी ऑप्शन मिलता है कि आप अपने एप्लीकेशन पे फिंगर लॉक लगा सकते हैं, लेकिन इसके भी दो कंडीशन है। पहला, तो अगर आप चाहें तो फोन सेटिंग का फिंगर लॉक लगा सकते हैं। दूसरा, व्हाट्सएप का खुद अपना एक फीचर है फिंगर लॉक का, आप उससे यूज कर सकते हैं। और मैं आपको इन दोनों में बताऊंगा कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट होता है एंड मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, मैं दोनों का कंपेयर आपको करके दिखाता हूं कैसे कैसे हम दोनों लोगों को यूज करेंगे व्हाट्सएप के लिए। तो चलो अब डेमो करते हैं, दिखाते हैं कैसे यूज करना हमें फिंगर लॉक अपने व्हाट्सएप पर। सो गाइस, फिंगर लॉक लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपने फोन के अंदर स्क्रीन पर फिंगर लॉक लगाना होगा। किसी भी एप्लीकेशन पे हम फिंगर लॉक लगा सकते हैं जिन भी फोनों के अंदर फिंगर सेंसर का ऑप्शन दिया जाता है। तो ये जो ऑप्शन होते हैं ये बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट सभी में मिलते हैं। जितने फोनों के अंदर आपके ये फिंगर सेंसर आता है सब में अप्रोच मिल जाता है आपको फिंगर लॉक देखने को। तो हम क्या करेंगे, अभी हम अपने स्क्रीन के अंदर एक फिंगर लॉक लगाएंगे और इसके बाद मैं एप्लीकेशन लॉक लगाऊंगा सेटिंग्स का, इवन मैं व्हाट्सएप का भी आपको फिंगर लॉक लगा के दिखाऊंगा। तो आपको डिसाइड करना कि कौन सा आपको यूज करना, मैं कंपेयर करके आपको दिखा देता हूं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जस्ट जाएंगे फोन सेटिंग के अंदर, यहां पर क्लिक करेंगे। फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए हमें फिंगरप्रिंट फेस पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद फिंगरप्रिंट पर जाएंगे, जहां भी आपको फिंगरप्रिंट जहां से भी लगता है आपके फोन में लगा लीजिएगा। अगर सेम प्रोसेस से लगता है तो आप हमें देखकर भी फॉलो करके अपने फोन के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको पैटर्न देंगे स्क्रीन का। इसके बाद एडेड फिंगर है, इसको हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर अपने फिंगर को कुछ इस तरीके से टचेस करना है जब तक ये फुलफिल नहीं हो जाता। जब यह फुलफिल हो जाएगा इसके बाद हम इसको व्हाट्सएप पे लगाएंगे इन फिंगर लॉक के लिए। सॉरी, इन फिंगर लॉक या फिर फिंगर लॉक दोनों कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके कर देंगे, रजिस्टर हो चुका है हमारा फिंगर लॉक। अब हम अपने स्क्रीन पे इसे देख सकते हैं, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, अब कंप्लीटली ओपन हो रहा है। अभी हमारे फ़ोन के अंदर कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है एप्लीकेशन का, तो सबसे पहले हम ऐप लॉक लगाएंगे। ऐप लॉक के लिए अगेन उसी को क्लिक करेंगे, प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका ये पासवर्ड हो आप उसको एंटर कर लेना। आप आ जाएंगे इस वाले इंटरफेस पे जहां आपको ऐप इनक्रिप्शन का एक सेटिंग्स मिलेगा, इसको क्लिक करना। अब यहां पर देखना ये है कि आपके फोन के अंदर किसी एप्लीकेशन पर लॉक लगा है या फिर नहीं। हालांकि मेरे पास यहां पर व्हाट्सएप पे ऑलरेडी ये लगा हुआ है, तो मैं यहां से क्रोम ब्राउजर पे भी कर देता हूं और मैं दोनों को आपको दिखाता हूं। देखो गाइस, सबसे पहले हम व्हाट्सएप की बात करते हैं। व्हाट्सएप को मैं यहां पर ओपन करूंगा। अभी व्हाट्सएप पे फिंगर लॉक नहीं आ रहा, सिर्फ हमारा पैटर्न लॉक आ रहा है। फिर हम इस पे फिंगर लॉक लगाने के लिए क्या करेंगे, यहां से आएंगे फिंगरप्रिंट वाले में। इसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करेंगे स्क्रीन का। इसके बाद यहां पर इस प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन वाले सेटिंग्स को इनेबल करेंगे। इसके बाद जो पैटर्न है आप एंटर कर दीजिए, प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन वाला। अब हमारा जो है एप्लीकेशन पे फिंगर लॉक लग चुका है, मैं डेमो दिखाता हूं। अभी आप देखेंगे यहां पर फिंगर लॉक तो लग चुका है, लेकिन हम इसको जैसे फिंगर सेंसर से इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो हमने व्हाट्सएप का भी फिंगर सेंसर यहां पर लगा के रखा है। तो हम क्या करते हैं, अब यहां पर क्रोम ब्राउजर को हमने लॉक किया था, मैं आपको दिखाता हूं क्रोम ब्राउजर को आप ओपन करना। तो यहां पर फिंगर सेंसर को इसको मैं ओपन कर लेता हूं। एक बार फिंगर सेंसर से ओपन कर दिया क्रोम ब्राउजर को। अब इसका हम सेटिंग्स का दोबारा से अगर इसको ओपन करना चाहें तो यहां पर फिंगर लॉक दोबारा वेरीफाई नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट 1 मिनट के बाद ही ये वर्क करता है। देखो मैं कर रहा हूं बार बार, लेकिन ये फिंगर सेंसर यहां पर अटैच नहीं हो रहा। लेकिन वहीं हम बात करें तो व्हाट्सएप के फिंगर सेंसर की, तो ये काफी ज्यादा फास्ट है और तुरंत आपको ये फिंगर सेंसर वेरीफाई करता है। इसे लगाने के लिए जस्ट आपको यहां पर क्लिक करना, 3 डॉट पे सेटिंग्स में आना है, आपको अकाउंट सेटिंग्स में जाना है। इसके बाद आपको प्राइवेसी सेटिंग्स में आनी होगी। इसके बाद नीचे आएंगे तो फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन मिलेगा। आप यहां पर अगर ये आपका डिसेबल्ड है सिंपली इसको इनेबल करिए, फिंगर सेंसर से अटैच कर दीजिए एक बार, ये आपका लग जाएगा। अगर आफ्टर 1 मिनट सेलेक्टेड है आप इमरजेंटली सेलेक्ट कर दीजिए। अब ये कंप्लीट हो चुका हमारा व्हाट्सएप फिंगर लॉक। अब जैसे ही हम इस व्हाट्सएप को यूज करेंगे हमारा तुरंत ही हमारा फिंगर सेंसर यहां पर अटैच हो जाएगा। मैंने ओपन करा, फिर मैंने कट करा, फिर से मैं व्हाट्सएप को ओपन करूंगा, फिर से फिंगर लॉक लग चुका है, फिर से मैंने अटैच करा, यहां पर फिर से ओपन हुआ। इसके बाद मैं इससे फिर से हटा देता हूं, फिर से मैं ओपन करूंगा, तब भी ये यहां पर फिंगर लॉक लगा हुआ ही हमें मिलेगा। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स वाला हमने लगाया ऐप इनक्रिप्शन से सेटिंग्स वाला फिंगर लॉक, वो उतना ज्यादा फास्टली नहीं वर्क कर रहा था जितना व्हाट्सएप का खुद का फिंगर लॉक वर्क करता है। तो डिसाइड ये करनी है कि आपको कौन सा यूज करना है। आप चाहे तो व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं, इससे आपके अलावा और कोई भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन वो जो रहेगा उसमें पैटर्न भी रहेगा, अगर कोई पैटर्न जान गया तब भी वो यूज कर सकता है पैटर्न के जरिए।
होपफुली गाइस आप समझे होंगे कैसे इसका यूज करना है। आपको जो पसंद आया फिंगर लुक आप उसे यूज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना आपका व्हाट्सएप का फिंगर सेंटर अच्छा लगा या फिर आपको अपने फोन सेटिंग्स का, उसे कमेंट के द्वारा नीचे। एंड हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में मिल जाएगा। एंड गाइस हम मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।